दिस इज अ जीएसपी एक्सपर्ट, दिस इज टीपी वाल्थर 22। तो अब उत्सव भाई भी रेंज पर गोली चलाएगा। उत्सव भाई लोड करो, गेट द फुल एक्सपीरियंस काउबॉय स्टाइल। Guys, we are at the range today. I am with Mayank Bhai, a dear friend of mine. Thanks to Mayank Bhai, we are with such renowned shooters of the country. Really, you know, excited to be here. और आज हम बहुत amazing weapons यहाँ पर fire करने वाले हैं। We are practicing today. देखते हैं, guidance लेंगे सारे seniors से and सीखेंगे। And Mayank Bhai के पास बहुत amazing weapons हैं family में। They are all imported weapons and really beautiful weapons. एक बार वो भी हम लोग fire करके देखेंगे। आपको different type के weapons दिखाएंगे and पूरा range का experience कैसा होता है वो दिखाएंगे। And I am firing today after so long. Last month साउथ अफ्रीका में रेंज में चलाई थी वो AK-47 मॉसबर्ग, वो सब आपने वाला वीडियो देखा ही होगा। एंड आज हम प्रैक्टिस करने आए हैं क्योंकि मैंग भाई आई थिंक रेगुलर प्रैक्टिस। चलो बातें कम गोली ज्यादा। नाउ इट्स उत्सव जॉब टू कैप्चर एवरीथिंग। It's like a small telescope. Yep, kind of. It's called a spotting telescope. Spotting telescope. Okay. Tremendous magnification. So you can see where you fired, mm-hmm. where the first round hit, where the second hit. थोड़ा सा वीडियो अच्छा है पर मेरा एडिटर ना खो जाए। दिस इज सिंह सर जिन्होंने अभी शॉट फायर किया है। इट इज हिज न्यू वॉल्थर जीएसपी 0.32 और 0.22 दोनों बैरल्स आते हैं इसमें। ही इज शूटिंग विद अ 0.32। ही हैज 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ही इज अ रेनाउंड शूटर। ही इज वेरी एक्सपीरियंस एंड इट इज एन ऑनर टू बी एट द रेंज एंड अंडर हिज गाइडेंस एट द रेंज। सुपर एक्साइटेड टू सी हिम शूट। एंड देख लो भाई जो प्रोज होते हैं पूरे इक्विपमेंट वगैरह के साथ अपने एक एक शॉट को पूरा रीड करते हैं बाद में कि भाई मैंने किस तरफ एम करा था, किस तरफ गोली चली है, तो एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। They are working together and नई जो गन है उसकी zeroing कर रहे हैं अभी। Zeroing is कि जो sights होती है उनको zero कर रहे हैं so that it hits the target। थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ because we have to be quiet because जब seniors हो तो उनकी out of respect थोड़ा सा शांत रहना चाहिए and concentration ना खराब हो किसी का। I hope you understand। But देखो कितना concentration चाहिए to be a shooter। इतना भारी वेपन इतनी देर तक इसे एम करना शोल्डर्स के लिए थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है, उसको वार्म अप बोल सकते हैं एंड एम की भी प्रैक्टिस हो जाती है। सो गाइस अभी भाई सीज फायर चीख के वहाँ पर गया, ही इज गोइंग टू चेक द शीट। और जब सीज फायर बोल देते हैं तब यहाँ पर कोई भी फिर फायर नहीं करता। एंड सर ने भी अपनी वॉल्थर जीएसपी चला लिए और अब अपना टाइम आएगा भाई, हम लोग चलाएंगे इन अ बिट। भैया हमें ट्रेनिंग देंगे, ये हमारे गुरुजी आज, एक ही गुरुजी हैं, एक वो गुरुजी आज। गाइस वैसे तो आई फायर लॉट ऑफ गन्स एंड एवरीथिंग बट जैसे मजे के लिए एम करके फायर करना और एक कॉम्पिटिशन के लिए प्रैक्टिस करना बहुत डिफरेंट चीज़ है। जैसे स्टांस कैसा होना चाहिए, ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी हमें, ट्रिगर पुल कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें भैया सिखाएंगे। Come, I'll show you some good weapons. This is the sports weapon. This is a GSP expert. This comes in a 3.2 as well as a 2.2 barrel conversion. This is TP Walther 2.2. The owner of the gun is Mr. Rakesh Nair. This is a licensed weapon. All of them are unloaded. There's no ammunition. Magazine is out. The chamber is empty. That's the first safety that you need to see. This is a beautiful weapon made in Germany. It's a 2.2 cal PP Walther. Beautiful weapon, yaar. Seriously. Comes with two mags. It comes with only one mag. You can purchase extra mags if you want. So this is center fire. इसमें फायरिंग पिन यहाँ पर हिट करता है तो ये गोली चलती है। यानी रिम फायर, इसमें रिम पर हिट करता है तो गोली चलती है आउटर रिम पर। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है ये वाली। I've heard a lot about that. And you can compare 0.22 की गोली and 0.32 की गोली में कितना फर्क है। But this is 0.32 wad cutter. Guys, this is one of the best companies. ये जो जितने भी प्रोफेशनल शूटर्स हैं वो मैकटेक ही यूज करते हैं। तो हमारी रिवॉल्वर का ही कैलिबर है, दिस इज आल्सो 0.32। बट आप लोग एक नोटिस कर रहे होगी चीज कि ये लेड नोज है एंड ये वैड कटर है। वैड कटर शूटिंग प्रैक्टिस में यूज करा जाता है, इसकी थोड़ी सी मार कम होती है। दिस इज फॉर सेल्फ डिफेंस पर्पसेस। दिस इज अ लेड नोज और ये 0.22 है। दिस इज 0.32 SNW लॉन्ग एंड दिस इज 0.22 LR। यू कैन कंपेयर देम। दैट्स आल्सो PP2।
It has a lot of mods on it. 0.22 and 0.32 की आवाज में कितना फर्क है. 32 makes so much more noise. Sir is firing his Walther PP in 0.22 cal from 10 meters. empty shells इधर आए हैं उड़ के. पर हम उठा लेंगे आप इनसे मतलब. Beautiful grouping of the 0.22 Walther PP. यहाँ पर group हो रहा है. एक दो shots बाहर गए हैं. And ये जो बड़े वाले हैं, this is 3-2. And जो छोटे वाले हैं, ये 2-2 है. तो 2-2 की grouping एक magazine की इधर हुई है, थोड़ी. एक की इधर हुई है. और ये 3-2 हैं. और एक round थोड़ा अलग चला गया, stray थोड़ा. एक और चला गया. Lovely weapon. I think this is going to be my next weapon. I'm so jealous right now. कोई बात नहीं, we'll also fire it. ये लगा देने से क्या है कि हम इसमें अभी normal 2-2 जो है, जो standard velocity, जैसे इसमें तो अभी आप सब high velocity shoot कर रहे हैं, हम इसमें standard velocity भी shoot कर सकते हैं. दोबारा ठीक से एग्जैक्ट होती है कि नहीं होती है, तो मेरे लिए जीरो कर दो. ठीक है, जीरो के बाद और एक्यूरेट हो जाएगी. हम सेंटर में ही एम करेंगे. ओके, बिकॉज़ इट्स द गेट हिज एक्यूरेसी. फ्री हैंड, साथ साथ फ्री हैंड में. करेक्ट. यू आर एमिंग हियर और हियर? नहीं, यहाँ. अच्छा, वी जनरली एम हियर सर. नहीं नहीं, वो तो मैचेज में करते हैं. ये तो पर्सनल सेफ्टी का है ना, इसलिए इसको हम लोग यहाँ कर रहे हैं. हार्डली एक इंच का डिफरेंस है. वो एक इंच साइट देखने का भी फर्क आ सकता है. इतनी टेक्निकलिटीज हैं, सिर्फ एक्यूरेसी एक्यूरेसी लेके. वेपन तो छोड़ ही दो, सिर्फ शीट को लेके इतनी टेक्निकलिटीज हैं. सो मच टू लर्न फ्रॉम सर. दो टाइप के वेपन्स हैं यहाँ पर. स्पोर्ट्स पिस्टल्स हैं, वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट चलते हैं. जो सेल्फ डिफेंस वेपन्स हैं, उनको थोड़ा सा इधर उधर करके एम करना पड़ता है, ताकि वो टारगेट के पास हो लगे. इट्स माय लकी डे गाइस. तो आज इंडियन वेपन के अलावा वॉल्थर पीपी चलाएंगे. So guys, I have the Walther PP with me now. मैगजीन निकालो. वो अंदर ही है. नहीं, इसका कितना बैरल एक्सपैंड हो गई और वो बैरल में फंस गई है. एक सेकंड, आप इसे पकड़ो. आई जस्ट गेट अ नाइफ. सो गाइस, दीस वर वेरी ओल्ड राउंड्स. तो इस चक्कर में दे गॉट स्टक इन द बैरल. नाउ आई थिंक माय अंकल विल टेक इट आउट. ये देखो पाजी, द राउंड इज ऑलरेडी फायर. द शेल गॉट स्टक. हां जी. This is the Smith & Wesson 3-2. These are beautiful Packmeyer rubberized grips. This is made in the USA. Smith & Wesson, it fires a 0.32 Smith & Wesson long. This is the caliber that it fires. It is an import. It is a beautiful weapon. The chamber is empty. And it's very smooth. A very smooth and a very good weapon, especially for our hands. So what I have noticed is, isko वैसे सही नहीं रहेगा अपने IOF से compare करना. But if we just check out the हैमर पुल, इतना स्मूथ है ये. एंड ट्रिगर इज ऑल्सो वेरी स्मूथ एंड इतनी ईजिली डीकॉक हो जाता है. ब्यूटिफुल वेपन. द ब्लोइंग इज ऑल्सो अमेजिंग. इतना सुंदर कलर है एंड ग्रिप्स बहुत ही अमेजिंग है. एकदम हैंड्स में बढ़िया आता है ये. इसमें एक स्नब नोज आता है, उसका ये बैरल थोड़ा सा छोटा होता है, इसका बैरल थोड़ा सा लंबा है. आई वुड ऑल्सो लाइक टू लर्न. तो जैसे ऑर्डर मिलता है, लूट लूट मिलेगा, तो आप इसको निकाल देंगे. इसके बाद इस तरीके से इसको जो है ना, उसके बाद आप उसके बाद आप ये बॉडी के 45 डिग्रीज पे पैर रख लीजिए. ठीक है ना. और उसके बाद आप आँख बंद कर लीजिए और इसको उठाइए. दोनों आँखें बंद कर लो. हाँ, जब ये साइट बिल्कुल सेंटर में आ रहा है हाथ आपका, तो क्या है कि आपका अलाइनमेंट आ गया है. ये करने के बाद आप इसको मैगजीन को लोड कर लीजिए. लोड कर दिए. लोड करने पर इसको खाली पीछे पीछे छोड़ दें. ओके, उसके बाद जो है ना, फिर आप अपना वही उसी पोजिशन में आके और काले के 6 o'clock में बस इसको अलाइन करना है. सो जस्ट पुट इट लाइक दिस विदाउट वन राउंड आउट एंड देन टेक इट अप. हाँ, ओपन योर आईज नाउ. आई एम ओके. ज़्यादा देर हो जाए तो आप नीचे आ जाइए. लंबा सांस लीजिए एक बार, फिर छोड़िए, फिर एक बार सांस लीजिए. हाँ, अब फिर अलाइन कीजिए इसको. ध्यान कमर पे रख लीजिए. The line was a fluke. Yeah.
because I should be aiming at 6. So it should have like come like near 6 otherwise. Yeah. Shaiji, you want to try the Indian audience once? No, yeah. Very kind man. And I love you for it. Nobody wants to fire the IOF. Smith ke baad to samajh thodi aayegi ye. Mayank ke dad abhi chala rahe hain IOF. Haan, aisa trigger pull ka. Trigger nahi dabega. Chalta kyun nahi hai bhai? Chal kyun nahi da? Trigger hi nahi dabta. मेरे कान में सिर्फ एक आवाज आ रही है अभी, इतनी लाउड है, वॉल्टर चलाई कोई आवाज नहीं आई इसी। मैं सिर्फ एक मेरी लगी है भाई, क्या कर रहे हो? दो दूसरी। अच्छा आप देखो इसमें क्या हुआ हुआ है गाइस, जो राउंड्स फायर हुए हैं तो ये शेल्स एक्सपैंड हो गए हैं और उसके बाद ये इसके सिलेंडर में फंस गए हैं। फंस सकते हैं, फंस ही गए हैं, तभी तो खुल नहीं रहा था। तभी जो ये इजेक्टर है इसका, जो ऐसे इजेक्ट करना चाहिए खुद राउंड्स को, वो करता नहीं क्योंकि ये लोहा है, गर्म होता है, एक्सपैंड हो जाता है। तो दैट इज दी ओनली रीजन। आर वेपन इज एम्प्टी नाउ, वी कैन होल्स्टर इट। वाओ, बैलेंस इसका ब्यूटीफुल गाइस। This is 0.32 Smith & Wesson. ये replica Magnum की तरह बनाया है, 357 जैसा बनाया है। 357 के body में 32 लगा दिया, barrel 32 का है। Like they can change it to any. You want to fire? Don't you fire? You want it 45? Raji, I have to fire. You want to use the Smith? हाँ, show, show, show. ये शाम के बाद चला के तो देखो, आपको पता चलेगा फर्क क्या है। जाओ भाई, चलो, चलो, चलो। Okay. बोलो 6 ही निकाल के चल रहे हैं। This is 32 Magnum. This is 32 Magnum? हाँ. This is a lovely round. Guys, थोड़ा सा hollow point type है। This is basically for self defense only, majorly for that. This expands when it hits your target. Beautiful. So guys, I'm loading the Smith & Wesson with wad cutters. अब एक बार Smith चला के देखते हैं। We have one extra round. I think it's my luck. Cowboy style. भाई अंकल ने दिया है उत्सव को अपनी स्मिथ एंड वेसन और साथ में हैं 4 वैड कटर के राउंड्स। तो अब उत्सव भाई भी रेंज पर गोली चलाएगा। पहले चलाई है तूने कभी? एक बार चलाई है रेंज पे ही ना। रेंज पे चलाई है। चलो उत्सव भाई लोड करो, गेट द फुल एक्सपीरियंस। यहाँ से मेरे हाथ से एक उठाओ और एक डालो गन में। हाँ, एंटी क्लॉक वाइज चलती है, उस हिसाब से सिलेंडर में सेट कर दूंगा। ये 2 खाली वाले, ठीक है? तो भाई उत्सव, एक भाई मैं कोई प्रो नहीं हूँ पर जैसा मैंने सीखा है अभी वो तेरे को बताता हूँ। पैर ऐसे आगे वाला, ऐसे, ठीक है? हाँ, 45 बिल्कुल सही है, ठीक है? आंख बंद करके पहले देखा टारगेट सामने है ना, आंख ऊपर, दोनों खोलनी है फिर एक बंद कर लेनी है दोबारा, ठीक है? अब पुल द हैमर, बिल्कुल सही है। ओए होए, चल एम करके, क्या बात है, नाइस नाइस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, भाई हमारे साथ है हर्ष यादव, हमारे राव साहब, और भाई रिनाउंड शूटर है, ही इज आई थिंक इन द टॉप 25, एम आई राइट? बहुत चैंपियनशिप्स भी जीती हुई हैं, सो वी हैव द प्लेजर ऑफ सीइंग अ प्रो इन एक्शन नाउ। अब अगर मैंने इतनी तारीफ कर दी, अब नहीं लगाना तो बेइज्जती बहुत हो जाएगी, देख ले हर्ष। तो पूरा हाईटेक भाई सेटअप लेके आया, इसी का गियर यूज कर रहे थे आज सारे, सो वी विल सी हिम इन एक्शन। तो लोगों को यूजुअली लगता है कि एकदम सेंटर में गोली मारना ही शूटिंग है, दैट इज नॉट शूटिंग। आप हर बार गन चलाते हो, उसके बाद अपनी गन को कैलिब्रेट करते हो एंड उसके बाद फिर और राउंड्स फायर करते हो, उसका कैलिब्रेट करते हो, और अंटिल यू गेट इट परफेक्ट एज क्लोज टू द मिडल एज पॉसिबल। Guys, this is my first time shooting a competition या sports pistol. This is Harsh's pistol. Pardini है ये. And ये जो Walther GSP वगैरह है, इससे एक level ऊपर है, I think, है ना? Basically it's all same, but it's just depend कि आपको कौन सी अच्छी लगती है, आपको कौन सी comfortable लगती है. Okay, मतलब Walther and this is the same thing. Same. Okay. But now most of the people prefer Pardini. Pardini, okay. Because like if you even see in posters, Anish world champion. इसमen भी 2 barrels ही आते हैं, 0.22 and 32. हाँ, conversion होता है, इसका barrel change हो जाता है, slider change हो जाता है, become. जैसे उसमें था, same. Is it loaded now? It's not loaded, it's on dry fire. Okay, so we'll dry fire it first. Yep, because trigger is very sensitive. Okay guys, I've just shot so many different types of guns abhi,
इसकी ग्रिप ही इतनी डिफरेंट है According to my hand. हाँ. Oh, okay. Is it? Yeah. तो मैं थोड़ा सा इसको देख के सीख रहा था, तो मैंने देखा ये ऐसे पकड़ के कुछ ऐसे ग्रिप करता है, ठीक है, पर मेरा हाथ थोड़ा सा बड़ा इससे तो जा नहीं रहा उसमें. मेरा ना यहाँ आ रहा है, देखो वो I'm going over this. चौड़ा है ना. इसका फ्रंट बड़ा हेवी है, चला लूं? ये कैसा ट्रिगर है? ये कॉम्पिटिशन ट्रिगर है. इसमें दो होते हैं, फर्स्ट पुल. हाँ. फर्स्ट पुल में आप जब एम कर रहे हो तब आप नीचे नीचे वो फर्स्ट पुल करोगे, दैट हैव लाइक 400 ग्राम. उसके बाद जब करोगे तो दैट 600 ग्राम और तब गोली. और ये भी सेमी ऑटो ही है? हाँ, सेमी ऑटो. जो हम गन्स के यूज्ड हुए, दिस इज समथिंग टोटली डिफरेंट. मैंने ऐसे किया होगा, एक उंगली लगाई होगी, वो ट्रिगर पुल हो गया. चलो लोड करके चलाएं. एक और बार करके देखो. ओके, टू टेल मी व्हेन आई एम रेडी. ओके, इसको भी आप पूरा एडजस्ट कर सकते हो, पूरा कस्टमाइज कर सकते हो. कितना हमें वेट रखना है, कितना लंबा ट्रैवल रखना है, कितना लंबा ट्रिगर. ये क्या निकाला इसमें से? दैट वी कॉल्ड सेफ्टी प्लग. ओके ओके, आई कॉल दिस रैबिट. तो बेसिकली क्या होता है, ये जो होता है ये बैरल के अंदर चला जाता है, तो दिस इंश्योर कि अंदर कोई बुलेट ना जाए, बुलेट नहीं बैरल में ना जाए. तो अगर ये इसके अंदर इंसर्ट नहीं होगा, मतलब अंदर बुलेट है. ओके. और इसके अंदर है तो मतलब टेंशन फ्री हो. फिर बेसिकली कैरी करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं. अच्छा, ये डाल के. इट्स कॉक्ड. Now we have to be more serious, guys. I don't want this shit to go bad, यार. इसकी अपनी practice चल रही है, बीच में मेरे 3-4 round घुस गए. क्या पता मेरा bullseye लग गया, ये सोचेगा इसका लग गया. पूरा मैकेनिज्म डिफरेंट है यार इसका. तो अब हम हर्ष भाई के लिए रिवॉल्वर एक बार लोड कर रहे हैं. मैं देखना चाहता हूँ कि हर्ष कैसा परफॉर्म करता है इस पे निशान पे. Because he's a renowned shooter. इज्जत दाव पे. इज्जत दाव पे भाई, बेइज्जती मत कराइयो. It's on safety. चीटिंग आगे से चला रहे, देख लो पहले. नीचे दिखा दे भाई. भाई यार यहाँ. ओ भाई साहब, इसको बचा ले भाई. भाई ऐसी बात नहीं है, आईओएफ में भी दम है, देख लो. प्रैक्टिस होनी चाहिए, शूटर तगड़ा होना चाहिए. कान फट गए यार. मैं बोल रहा था ना, कान कह रहा कोई नहीं. तो कितने, 1, 2, 3, 4 गोलियां डाली थी. पांच चार ऑन टारगेट. दो ब्लैक में, दो वाइट और एक बार. सो गाइज, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो. वी हैड एन अमेजिंग टाइम. बहुत कुछ सीखा हमने आज हर्ष भाई से, बहुत कुछ सीखा जो हमारे सिंह सर आए हुए थे उनसे भी, एंड अंकल जी से भी बहुत कुछ सीखा हमने. बहुत मजा आया, अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रेनिंग मिली. और अब भाई ड्रेन हो चुके हैं, क्योंकि मेरे ख्याल हर्ष 5 घंटे हो गए हैं. एंड इट्स 41-42 डिग्रीज आउटसाइड, बहुत बुरा हाल हो रखा है. ओपन है, ओपन रेंज है भाई, गर्मी अलग लेवल है. जल्दी तो भाई इस वीडियो को यही एंड करते हैं. लवली कम्युनिटी है, लवली लोग हैं भाई, सारे इनवाइटिंग है. वैसे कोई भी अपने किसी भी स्पोर्ट में अपना कंपटीशन नहीं बुलाना चाहता कि आज सीख, पर इस स्पोर्ट में मैंने देखा हर कोई नहीं ऐसे ही ऐसे सीखो सीखो आएंगे. मैं पर्सनली चाहता हूँ कि भाई शूटिंग को हम एक अच्छे वे में प्रमोट करें, क्योंकि इंडिया में ना गन्स को एक टैबू की तरह एक बैड लाइट में देखा जाता है. तो शूटिंग को हम प्रमोट करें ताकि अच्छी लाइट में आए गन्स एंड और इजी हो गन अक्वायर करना फॉर शूटिंग पर्पसेस. अभी गवर्नमेंट और डिफिकल्ट करती जा रही है एयर वेपन्स को, डिफिकल्ट कर रही है. यस यस, पहले 0.22 की राइफल एयर पे भी रख सकते थे, एयर राइफल 0.177 कर दी. तो ये सारी चीजें हैं. बट एनीवे गाइस, वो एक अलग वीडियो होगा, अलग वीडियो के लिए टॉपिक है. हमें बहुत मजा आया, अगर आप लोगों को मजा आया सो यू नो द ड्रिल, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर एंथुसियास्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली. ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आप ऐसे अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस ना मिस करो. और अगर आप लोग चाहते हो हर्ष भाई के साथ और प्रैक्टिस करें, हर्ष से और ट्रेनिंग ले, तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना. भाई से ट्रेनिंग लूंगा. मेरे से भाई लड़ने के लिए बॉडी वेटिंग ही लूंगा. और जिस जिसने शूटिंग के बारे में अच्छा अच्छा कंटेंट देखना है, तो आप हर्ष के इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, वो इधर स्क्रीन पर आ रहा होगा. तंग मत करना भाई, बहुत बिजी रहता है, दिन रात गोलियां चलाते थे, कह रहे 400 राउंड चलाते हो दिन के. तो भाई तंग मत करना, पर किसी को जेन्युइन नॉलेज चाहिए या कुछ हेल्प चाहिए, दे कैन हिट देम अप, फॉलो करो भाई को. आई थिंक रिनाउंड शूटर्स को भी भाई और फेमस होना चाहिए, दे आर प्लेइंग फॉर द कंट्री. बहुत स्ट्रगल है भाई सीरियसली. तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.